तुम्हारी दीदी हूँ, उसी हक से आई हूँ यहाँ पर। कल भी बड़ी खूबसूरती से अपना हक जताया था, है ना? असल में शहजाद ने उस दिन जो तुमसे बातें की थी ना, मैं डर रही थी कि तुम बुरा ना मान गई हो, कहीं आने से इनकार ही ना कर दो। नहीं आंटी, मैंने शहजाद के गुस्से को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया था। अब मैं जानती थी कि वो टेम्परेरी रिएक्शन है, शायद कोई और भी होता तो यही करता। अल्लाह मैं सबके जाऊँ, तुम कितनी अच्छी हो। अब तुम्हें आने जाने के लिए कोई और बंदोबस्त कर लेना चाहिए। आप बेफिक्र हैं, मैंने अपना बंदोबस्त कर लिया। बाबर ने बिल्किस को साफ साफ कह दिया है कि अब अगर हिना तुम्हारे घर नजर आई तो वो वहीं रहेगी, मेरे घर वापस नहीं आएगी। आंटी यकीन जानिए, जो कुछ भी हो रहा है उसकी इत्तला मुझे अभी आपसे मिली। हैरत है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ नहीं बताते और मुझे यहाँ घर बैठे हर बात की खबर हो जाती है। आप कैसी बातें कर रही हैं? तो मेरे घर में खड़े होकर मुझे बात करना सिखाओगे? जिसको आपको अपने घर पे रखना चाहिए उसके लिए आपने घर के दरवाजे बंद करके रखे,